यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं हरियाणा में पिछले 16 दिनों से जारी हरियाणा रोडवेज की हड़ताल को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को ज्ञापन सौंपा है। किलोमीटर आधारित स्कीम के तहत 720 बसों का जो टेंडर किया जा रहा है और किया भी गया है एक चरण का, उसे रद्द किया जाए, फैसला वापस लिया जाए। इस ज्ञापन के जरिए इस तमाम तरहों की मांगों को जो है भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में उठाया गया है कांग्रेस नेता की ओर से। ज्ञापन में उन्होंने किलोमीटर आधारित बसों के टेंडर में बड़े घोटाले की आशंका जाहिर की। हुड्डा ने पड़ोसी राज्य पंजाब का उदाहरण दिया है और कहा कि वहां करीब 17 रुपए प्रति किलोमीटर के आधार पर बसें चलाई जा रही हैं, जबकि हरियाणा में इससे दोगुने रेट पर बसें प्राइवेट हायर की जा रही हैं। ऐसे में हरियाणा में दिए जा रहे टेंडर का मकसद सरकार अपने करीबी लोगों का हित साधने के लिए कर रखी है। और ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार के वश में अब बस चलाना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जिद को छोड़कर कर्मचारियों से बातचीत करे, क्योंकि हड़ताल के चलते जनता बेहद परेशान है। एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आते ही सबसे पहले किलोमीटर आधारित बसों के टेंडर रद्द किए जाएंगे, किलोमीटर स्कीम को लागू नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश क्रिया कर्जदार अपराध आपके द्वार, ठप किया कारोबार, किसानों को दिया मार, कर्मचारियों में हाहाकार, खत्म किया रोजगार, कन्याएं करें चित्कार, समाज में पैदा की दरार, दलितों पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों से दुर्व्यवहार, झूठे वादे, झूठा प्रचार, ठगे ना जाना, अब की बार उखाड़ फेंको भाजपा सरकार। सत्ता पक्ष है, विपक्ष होता है, लेकिन मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो हरियाणा के लोगों ने जिसको मुख्य विपक्षी दल चुन के भेजा 2014 में, वो मुख्य सहयोगी दल बना हुआ है इनका, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप बहुत सारे साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत सारे एजुकेशन देखे होंगे, पत्रकार हैं, कोई ऐसा एजुकेशन देखा आपने? मिली जुली लड़ाई, वही गिरफ्तारी वही रिहाई, वही जेल वही बेल, जो SYL का चल रहा था, क्या तमाशा देखा? 400 की लिस्ट देंगे और ये कह देंगे ऐलान कर देंगे चार एक SDM आएगा, नहीं SP आएगा, 4000 आदमी हमने गिरफ्तार कर दिए। 10 मिनट के बाद वही स्टेज पर रीना लोग स्टेज पर आ गए, SDM ऐलान कर देगा भैया मैंने बेल बेल तोड़ दी। ऐसा तमाशा कभी देखा? जेल भरो आंदोलन के नाम से मैंने कई बार पूछ लिया, भाई एक जेल का नाम बता दो, एक आदमी क्या जेल भरो आंदोलन में, एक जेल के अंदर कोई क्या हो? सबसे पहले हमने आवाज उठाई थी गिरदावरी में घोटाला हुआ, गिरदावरी की थी जब 3 साल की बात होगी, इतना जबरदस्त हुआ, रेक्सिल दवाई की खरीद में घोटाला हुआ, ये गवर्नाइज सीट्स में घोटाला हुआ, बावल भूमि अवार्ड में घोटाला हुआ, मतलब अवार्ड सुना गए जमीन छोड़ी गई 3600 एकड़ आफ्टर अवार्ड वॉज अनाउंस्ड, और सरस्वती कुंज की गुड़गांव की मेंबरशिप का घोटाला, धान और बाजरा खरीद का घोटाला, कपास बीज कीटनाशक खरीद का घोटाला, फसल बीमा का घोटाला सबसे बड़ा, डाटम खानन डाटम जो माइनिंग है उसमें जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है।